हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मैं सर अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे ली जिंदगी? पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया मजे में? योग घासू बहुत बेहतरीन। एग्जाम आने वाले हैं तो एकदम पढ़ाई के लिए एकदम डट के करिए, एकदम मजे से करिए। और फिर हम जैसे अपने चैप्टर वाइज सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मेंस्ट्रुएशन की चल रही है अभी हमारी यूनिट, तो उसमें मेंस्ट्रुएशन में हम अभी क्या क्या देख चुके हैं? सर्किल, सिलेंडर। अब है बारी कोन की। रेडी होगी? नहीं हो कोन के लिए? कोन वो सॉफ्टी वाली आइसक्रीम वाली कोन, हाँ वही हैप्पी बर्थडे की कैप वाली कोन, समझ रहे हो ना, वही कोन। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, रेडी है ना? रेडी है तो जल्दी से शेयर कर दो दोस्तों के साथ, वो भी देख लें। तुम अकेले देखोगे क्या? हैं, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना तुम अकेले अकेले देख लेते हो। चलिए तो फिर देख लेते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम। छोटा सा टॉपिक रहेगा, पूरा कोन ही कोन के बारे में देखेंगे, कैसे क्या है, क्या फॉर्मूले हैं, क्या किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक है, अब कोन क्या है आपको कैसे पता है ना? शेप तो आपको क्लियर होगा, बट एक्चुअली इसको आप थोड़ा अच्छे से कैसे समझ सकते हो। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ये वो भाई राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसकी परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर के अलोंग इसको अगर हम क्या करें, रोटेट करें, इसको अगर हम रोटेट करें इसके परपेंडिकुलर के अलोंग, तो भैया एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन बनाएंगे हम 360 डिग्री का। तो इस टाइप कुछ फिगर दिखेगा आपको एक, ऐसे जूम वो करो, थोड़ा इमेजिन कर लो भैया। यू ट्रायंगल है, इसको पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हम दे रहे हैं, कंप्लीट दे रहे हैं एक, तो ये इस टाइप की बन जाएगी हमारी फिगर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोन, इट्स कोन। ठीक है, सॉफ्टी वाली कोन ले लो, कैप वाली कोन ले लो, कोई सी भी कोन ले सकते हो। ठीक है ना, वही वाली कोन। तो इसमें आप एक्चुअली तीन डायमेंशंस होते हैं, कितने डायमेंशंस होते हैं? थ्री डायमेंशंस होते हैं। ये किसका पार्ट है? ये किसका है? पिरामिड का पार्ट है। ये पिरामिड देखा होगा ना, पिरामिड देखा होगा आपने EVS में, देखा कि नहीं देखा है? तो वही उसी की पार्ट है, ये पिरामिड की पार्ट है कोन। ठीक है, इसमें तीन डायमेंशंस होते हैं। ये होते हैं इसका एक्चुअली सेंटर, ये होती है इसकी एक्सिस जिसके अलोंग ये रोटेट होके फॉर्म हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा कोई नहीं, बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है, इग्नोर करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, देखिए सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस है, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या है, एक सर्किल है, तो क्या हो गया ये रेडियस, ये क्या हुई सेंटर से टॉप तक की, इसको कहते हैं हाइट, एच से डिनोट करेंगे। और ये जो टेढ़ा वाला दिख रहा है, ये दिस वन, दैट इज एल, स्लैंट हाइट। ठीक है, क्या ही स्लैंट हाइट, नाम मत भूल जाइएगा, नाम भी रखा है यहाँ पे सब कुछ, स्लैंट हाइट। एंड ये नॉर्मल हाइट और ये रेडियस, हाउ। ठीक है, 3D फिगर है, वॉल्यूम होगी डेफिनेटली होगी, कोई शक नहीं है उसमें, और टोटल सर्फेस एरिया भी होगा। और क्या क्या होगा आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको तो ये पता होगा, ये स्ट्रेट रहता है हाइट, तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है, तो उसमें एक पाइथागोरस से रिलेशन फॉर्म होती है एल एच और आर के बीच में। क्या होती है? एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज आएगी 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम करेंगे तो इक्वल आएगा एल के स्क्वायर। और यहाँ से अगर आपको स्लांट हाइट निकालनी है तो कैसे निकालते हो? एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हो ये हो गया एल फाइंड करने का, स्लांट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला। वेरी गुड। नाउ अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। अगर हम इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, क्या होगा वो? सर्किल है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन नहीं कहेंगे, सॉरी ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, एरिया ऑफ बेस। ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। नाउ टोटल्स एंड कर्व सरफेस एरिया इसका देखेंगे। अगर हम कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, किसी भी नाम से आपको पूछ सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया बताइए कौन का, या लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, मतलब ये जो पूरा राउंड वाला शेप है ना, उसका एरिया कहना है ये, जिससे ये बनी है कौन, दैट इज पाई आर एल। हाओ समझे कि नहीं, बोल दो जल्दी से। वेरी गुड। नाउ टाइम टू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हो ठीक है, समझ गए हो? ये तीन फॉर्मूले हैं, और एक और इसमें आप ऐड कर सकते हो, वैसे बेसिक तो तीन फॉर्मूले ही हैं ये। एक क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का, उसमें ये दोनों एरिया ऐड हो जाएंगे बस। ठीक है, ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे? ऐड।
तो ये जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। हो ठीक है, समझ गए ना, ये होगा इसके फॉर्मूलेज। अब इन पे हम देखते हैं क्वेश्चंस। पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी फॉर्मूलेज का, स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन, एरिया ऑफ बेस का तो याद ही है बचपन से कर रहे हो, कर्व सर्फेस एरिया इंपॉर्टेंट है, ये लेटरल सर्फेस एरिया, वॉल्यूम वेरी इंपॉर्टेंट एंड टोटल सर्फेस एरिया। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका आज का पहला क्वेश्चन क्या है जो कि कौन पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए देख लेते हैं आप पहला क्वेश्चन, और कोई भी डाउट हो आप अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, तभी हम बता पाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास रहती है इसलिए। ठीक है, चलिए, और टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कर्व सर्फेस एरिया ऑफ अ कोन 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस 56 सेंटीमीटर फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहे हैं कर्व सर्फेस एरिया गिवेन है, कर्व सर्फेस एरिया जो कि क्या होता है सर, पाई आर एल। हाओ 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 बोलो ना, वेरी गुड। कर्व सर्फेस एरिया गिवेन है 12320, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस फॉर 57 इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से हम एल निकाल सकते हैं इजीली सॉल्व करके, तो आओ निकाल लेते हैं, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, 7 से 8 टाइम्स। ठीक है, 8 से काटेंगे इसको, 1 times 8 443, तो आता है 45 times 332, 4 times 0 ठीक है, 22 से कितना 70 टाइम्स, तो सर L आ गया 70 सेंटीमीटर। हाओ समझ गए हो ना, कितनी इजी रहती है कैलकुलेशन, अगर आप यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर देते तो आप फंस सकते थे, समझ रहे हो तुम, इसलिए कभी भी इन जितने भी मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन है सबसे इजी पार्ट क्या है, अभी जो भी हम आगे देखेंगे ना, एक फिगर से दूसरे फिगर में चेंज होता है उसमें तो बिल्कुल सॉल्व करना ही नहीं है, बस कट्टा पट्टी करके सॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है ना, और 11 का मल्टीप्लाई अगेन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो उसको अच्छे से देखिएगा। एल आ गया, आर गिवेन है, एच निकाल सकते हो क्या, हाँ निकाल सकते हैं, हमें पता है रिलेशन, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सर यहाँ से अगर हम एच के लिए बना लें तो एच के लिए क्या बनेगी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाँ कि ना, आर स्क्वायर यहाँ आया लेफ्ट हैंड साइड, अंडर रूट लग गया उस पर। ठीक है, एच इज इक्वल्स टू एल फॉर 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। ठीक है, दो मेथड है आपके पास, कैसे करोगे, या तो 70 का स्क्वायर अलग से लिखो, माइनस 56 का स्क्वायर अलग से लिखो, एक तो ये मेथड है, दूसरा कौन सा मेथड है, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो भी आपको अप्रोच जैसे आ जाए उसको आप इम्प्लीमेंट करके सॉल्व कर लेना। 70 प्लस 56 126 इंटू 70 माइनस 56 14। ठीक है सर, अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें तो मैं दिख रहा है ना, 14 के टेबल में 9 टाइम्स आता है ये, तो ये हो गया मतलब 9 × 14 × 14, वेरी गुड। तो यहाँ से एच क्या हो जाएगा, 9 का अंडर रूट 3, 14 × 14 = 14, तो मतलब 42 सेंटीमीटर। तो ये होगी हमारी हाइट, कितने आसानी से निकल गई, कैलकुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कट तो नहीं रहा है ये, एक मिनट, कट तो नहीं रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना, समझ गए किस टाइप का क्वेश्चन था और कैसे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो अप्रोचेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पहले कर्व सर्फेस एरिया निकाल लिया, देन लेंथ, देन इस रिलेशन से हाइट आ गई हमारी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए कर दें स्क्रॉल ऑफ, वेरी गुड। आइए तो फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, हम लेवल धीरे धीरे पढ़ाएंगे हम। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो, मतलब रेडियस और हाइट का रेशियो गिवन है कोन का 5:12 और उसकी वॉल्यूम गिवन है 2512 सेंटीमीटर क्यूब। तो सर उसका रेडियस और स्लैंट हाइट बताइए, स्पेशली मेंशनड है यहाँ पर, पाई इज इक्वल्स टू 1.3.14 हमें लेना है। ठीक है, पाई की वैल्यू तो कैसे होगा, पॉज करके ट्राई कर सकते हो अगर आपको आ रहा है तो, नहीं तो देख लो फिर क्या है। वॉल्यूम का फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाओ ठीक है, बट यहाँ पर एक्चुअली हमें क्या गिवन है, रेडियस और हाइट का रेशियो गिवन है 5:12। तो ये मैंने बताया भी था आपको लास्ट वीडियो में आई थिंक, कि जब भी रेशियो में गिवन हो मैं इस टाइप से डायमेंशन, तो एक कॉन्स्टेंट ऐड कर लिया करूँ, लेट आ रेशियो कॉन्स्टेंट कहते हैं इनको, लेट अ रेशियो कॉन्स्टेंट कुछ भी ले सकते हो, बट ऐसा मत लेना जो इसमें ऑलरेडी यूज़ हम कर रहे हैं, बी एक्स। ठीक है, हमने एक्स ले लिया है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × x,
और एच की वैल्यू हो जाएगी 12 × x मीन्स 12x, ठीक है ना। रेशियो का मतलब ये होता है कि उन जितनी भी जिसका भी रेशियो है उनके कॉमन पार्ट हमने निकाल लिए उसमें से, मतलब 5 और 12 बचा है ये, इसमें से एक कॉमन पार्ट था वो हमने निकाल लिया जो दोनों में मल्टीप्लाई था, और वो हमने मान लिया क्या होगा, x होगा। हो सकता है x 2 हो, 10 हो, 15 हो, 18 हो, 20 हो, कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए तो अब इसकी हेल्प हम करते हैं सॉल्व। वॉल्यूम 2512 1/3 पाई की वैल्यू हुई है थोड़ा याद से 1.314, ठीक। आर के प्लेस पे 5x का स्क्वायर और एच के प्लेस पे 12x, वेरी गुड। तो कुछ कट रहा है देखते हैं, पहले ये एजिट इज है 2512 1/3 3.14 इंटू ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू 12x, ठीक है ना। डेसिमल हटाएंगे, 2 0 लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 से 4 टाइम्स 3 × 4 = 12 पूरा कट गया, ठीक है। अब ये 3 1 4 से ये कट रहा होगा, आई थिंक डेफिनेटली कट रहा होगा, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स कटेगा ये, बिल्कुल कटेगा। 2512 upon 3 1 4 = x³। अब एकदम कैसे पता चलेगा कि 8 टाइम्स कटेगा, 8 टाइम्स इसलिए पता चलेगा 300 है ये, 300 है लगभग। तो 300 × मतलब 3 की टेबल आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, 3 × 8 हमने देखा कितना होता है 2400, और ये भी 2400 से बड़ा है और ये 300 से बड़ा है, तो मतलब कहीं ना कहीं 8 आएगा। और क्योंकि लास्ट में देखो 2 है, 4 × 8 करोगे 32, तो 2 मिल रहा है ना, इसलिए थोड़ा आप बरवली भी कर सकते हो उसको। तो 8 = x³, तो हम कह सकते हैं x = 2 cm, ठीक है, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। एक स्टेप और लिख लो भैया, 2³ = x³, ठीक है। तो यहाँ से अब हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से r आ जाएगा हमारा क्या, 5 × 2 दैट इज 10 cm आओ, और h आ जाएगा सर हमारा 12 × 2 = 24 cm, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। रेडियस आ गया है, स्लैंट हाइट और फाइंड करना हमें, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं, अगेन वी नो वेरी वेल l = √h² + r² बस वैल्यू पुट करूँ और ख़त्म करूँ। l = √h² 24² + r 10² ठीक है। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, माइनस वाला नहीं है, तो आप इसमें फिर से a+b a - b लगा दो, ओनली वो जी जब जिसमें माइनस हो उसके लिए अप्लाई एप्लीकेबल होता है। 24² = 576 + 10² = 100 l = 676 और ये होता है हमारा किसका, 26² ठीक है। आंसर आ गया L 26, R आ गया 10, ठीक है। हाइट भी आ गई, इन्होंने लिखा नहीं है पर निकालनी तो हमें पड़ेगी, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आएगा किस टाइप से हम यूज़ करते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है, कौन से रिलेटेड। आइए कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कौन से रिलेटेड, पहले इसके पहले लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, आंखों में भर लो, है ना, फिर इसको हटा देते हैं क्योंकि हम अब चलिए, ठीक है। अगेन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत, ट्राई कर सकते हो एक बार, पहले देख लीजिए क्वेश्चन है क्या, वाकई अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा अक्सर सर्कस, देखा कभी सर्कस में जब भी टेंट बनते हैं तो मोस्टली कौन शेप में बनते हैं कौन शेप में, देखा होगा आपने तो। फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास 2 मीटर, एक कैनवास है मान लो, एक कपड़ा होगा कोई बड़ा सा जिसकी विथ है कितनी, 2 मीटर चौड़ाई है, कैनवास है जिससे हमें कोनिकल टेंट बनाना है। फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास, इसकी किस लेंथ के लिए, लेंथ किस लेंथ के लिए, 2 मीटर विथ जिसकी विथ है, रिक्वायर्ड है कोनिकल टेंट बनाने के लिए जिसका डायमीटर 12 और स्लैंट हाइट है 63 मीटर, तो ये बताना है, मतलब इससे हमें एक कोन बनाना है इस टाइप का, कोनिकल टेंट। तो ये पूछ रहे हैं कि उस कैनवास की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो सब उसके आगे ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ per meter, और अगर 1 मीटर 15 रुपये का है तो टोटल कितने रुपये का हमें कैनवास खरीदना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जब भी कैनवास बनाएंगे हम, मतलब कैनवास से कोनिकल टेंट बनाएंगे, तो ओनली कहाँ कहाँ बनाएंगे, चारों तरफ, ज़मीन पे तो बनाएंगे नहीं क्योंकि नीचे तो ग्राउंड ही रहेगा, इसलिए तो ये याद रखना पड़ेगा। मतलब इसका जो एरिया लगेगा इस सीट का, इस कैनवास का, बिल्कुल होगा इसके सर्कमफ्रेंस के एरिया के कि नहीं होगा, क्योंकि जितना लेंथ इनटू ब्रेथ से ये रेक्टेंगल फॉर्म में रहेगा हमारा कैनवास, इसका जो एरिया यूज़ होगा वो पूरा एरिया किस में यूज़ हो रहा है, इसके सर्कमफ्रेंस को कवर करने में। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ
इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया। हाउ कह सकते हैं, लेंथ तो पता नहीं है, ब्रेथ पता है मैं कितना, 2 मीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, वेरी गुड, एल इंटू टू, पाई फॉर 2 2 बाई 7, आर फॉर गिवेन है डायमीटर है सर 12, तो रेडियस हो जाएगा 6, एल है सर 63 स्लांट हाइट। ठीक है, जो कट रहा है काट दो, जो नहीं कट रहा है मत काटो। 7 से 63 9 times, 2 से 3 times। हाउ, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 into 3 27। 27 चलो लिख लेते हैं क्या करके, आपको क्लियर रहेगा, नहीं तो आप क्या करते थे वो ये उल्टा सीधा। 27 into 2 54, 4 या 5 कैरी, अगेन 27 into 2 54, 54 and 5 59, 59 सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक है, क्योंकि सभी यूनिट्स मीटर में है। तो ये हो गई सर लेंथ किसकी, कैनवास की। तो कैनवास कितनी लेंथ चाहिए पड़ेगा, 594 मीटर लंबा में चाहिए पड़ेगा एक कोनिकल टेंट बनाने के लिए। ठीक है, ये होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, रेट भी बताओ कितना टोटल हमें कॉस्ट की ज़रूरत है अगर 15 रुपये पर मीटर की लेंथ है, मतलब उसकी रेट है, तो भैया टोटल कॉस्ट आएगी क्या होगी, टोटल कॉस्ट क्या होना चाहिए, लेंथ इंटू क्या, लेंथ इंटू रेट है ना। ठीक है, तो लेंथ हमें निकाल लिया हमने, क्या है हमारा 594 इंटू रेट क्या है 15 रुपीज़, कितना 15 रुपये। तो बस नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 4 60 6 कैरी, 59 135 135 and 6 141 14 कैरी, 17 5 75 75 and 14 89 है ना। तो मतलब इतने रुपए की हमें ज़रूरत पड़ेगी कैनवास की, मतलब इतने रुपए की ज़रूरत है कैनवास खरीदने के लिए। अभी आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, देख लो अच्छे से, फिर मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ में भी आ गया ना क्या था, एक कैनवास हम कोनिकल टेंट बना रहे हैं, उस कैनवास की विड्थ गिवन 2 मीटर, लेंथ क्या होगी हमें बताना है। तो हमने सोचा कि जो कैनवास का एरिया यूज़ हो रहा है बनाने में कोनिकल टेंट को, वो पूरा सर्कमफ्रेंस मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया को यूज़ हो रहा है, क्योंकि जमीन पे तो हम लगाएंगे कैनवास ओनली, जो चारों तरफ वाला एरिया उसके लिए। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इस कैनवास के एरिया की इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया के, तो एल इंटू टू पाई आर एल, तो नॉर्मली सॉल्व करने पर एल की वैल्यू आएगी 594 मीटर, मतलब जो कैनवास आप यूज़ कर रहे हो उसकी लेंथ होगी 594 मीटर। हो अब टोटल कॉस्ट निकालना है, क्योंकि ये भी पूछा कितनी कॉस्ट होगी उस कैनवास को खरीदने के लिए, तो लेंथ इंटू रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेट है वो क्या गिवन है पर मीटर, अगर ये पर मीटर स्क्वायर गिवन होता तो हम एरिया लेते, पर मीटर क्यूब होता तो हम वॉल्यूम लेते थे, ठीक है ना। तो आप ये देख लिया करो कि रेट किस फॉर्म में गिवन है, मीटर में तो लेंथ, स्क्वायर में तो एरिया, क्यूब में तो वॉल्यूम। ठीक है, वेरी गुड, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू रेट, 594 into 50 करेंगे तो 8910 क्या होगा इसका कॉस्ट होगी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ और आगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, अच्छा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी, है ना। देयर आर टू कोन्स, दो कोन्स हैं सर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। ठीक है, दो कोन्स है, बना लेते हैं, एक कोन ये छोटा वाला, एक कोन ये थोड़ा सा और। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सी1 से कर लेते हैं नोट, इसका C2 से। ठीक है, और इसकी स्लैंट हाइट का एक गिवन है, तो स्लैंट हाइट इसका एल से, L1 से, इसका L2 से। ठीक है, रेडियस का रेशियो पूछ रहे हैं, थोड़ा सा दिखिएगा, इसका अगर हम कर्व सरफेस एरिया मान लें सी, ये क्या कह रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, मतलब इसका अगर सी है तो इसका कितना होगा, 2c होगा, क्योंकि ट्वाइस है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, इसका सी है तो इसका 2c है। स्लांट हाइट ऑफ द लेटर, मतलब बाद वाले की जो स्लांट हाइट है वो ट्वाइस है पहले वाले की, पहला वाला अगर एल है स्लांट हाइट तो उसकी क्या होगी, 2l होगी। हो हाँ कि ना, वेरी गुड, रेडियस R1 R2। ठीक है, रेशियो निकालना है तो C1 upon C2 निकाल लेते हैं, क्या होगा, पाई R1 L1 upon पाई R2 L2, यही होगा कि नहीं होगा, दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया का हम रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई R1 L1 पाई R2 L2, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ C1 2C C2 का C, तो पाई से पाई तो अभी काट देते हैं इसको, R1 क्या हो जाएगा R1, L1 क्या रहेगा L, पाई R2 क्या रहेगा R2, L2 क्या रहेगा 2L। हो जो कट रहा है काट दो, C से C, पाई से पाई, ठीक है, L से L, 2 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2,
यहाँ पर कुछ है नहीं डिनोमिनेटर में, तो 1 लिख लो। तो मतलब आर वन इज टू आर टू रेशियो क्या आ गया सर, 4:1। मतलब जो आर वन है वो 4 टाइम्स से आर टू के, आर वन 4 टाइम्स से आर टू के, समझ गए वो। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल था, अच्छा था, तो मैंने कहा आपके साथ करना चाहिए शेयर, तो इसलिए मैंने कर लिया, ठीक है ना। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, कर लीजिए इसको वापस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कोन का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं आ गया है? आ गया होगा, ठीक है ना। हमने उस पर कोन के कॉन्सेप्ट देख लिया, उसके फॉर्मूले देख लिए, उस पर क्वेश्चन देख लिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एक्चुअली एक बार एक व्यक्ति को गुस्सा आ रहा था, ठीक है, और उसके सामने एक कैप रखी थी, कैप समझ रहे हो, थोड़ी सी बड़ी सी कैप थी कोन सेब में। तो उसने क्या किया, एक स्वॉर्ड ली, तलवार ली, और एकदम झटके से उस कैप को काट दिया, और इतनी सटीकता से काटा उस कैप को कि एकदम पैरेलली कटा उसके बेस के। कैसे, सुनो, ये क्या है कोन, आओ, इस कोन को एक भाई साहब ने क्या कर दिया, एक पैरेलली काट दिया उसके बेस के, इस कोन को पैरेलली काट दिया इस बेस के, तो क्या हुआ, एक इस टाइप का फिगर बन गया है, ठीक है, इस टाइप का फिगर बन गया है एक। तो इसका नाम उस दिन से क्या पड़ गया है, फ्रेस्ट्रम। क्या पड़ गया, फ्रेस्ट्रम। एक ऊपर तो कोन बन गई छोटी सी, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहने लगे, फ्रेस्ट्रम, ठीक है ना। तो ये कितना बड़ा आविष्कार किया था उस व्यक्ति ने, उसके लिए पहले धन्यवाद करो, धन्यवाद तो करो, लेकिन कुछ 4 फॉर्मूले और दे गया तो थोड़ा सा 2-3 गालियाँ दे दो, ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात है। तो ये मैं फ्रेस्ट्रम के बारे में पढ़ना, कोन के बारे में तो आपको समझ में आ गया है, फ्रेस्ट्रम में बस कुछ चेंज नहीं होगा, ये तो इसकी स्लांट हाइट ही रहेगी, ये इसकी हाइट रहेगी, बस इसमें रेडियस एक बढ़ जाएगा, उसमें एक ही रेडियस होता है, इसमें 2 रेडियस होंगे। ये ले लो आर वन, ये ले लो आर टू, हाओ, बस थोड़े थोड़े फॉर्मूले में भी चेंज आएगा, क्या आएगा आइए देख लेते हैं। उसका एड हम कैसे निकाल देते, कितना शोर कर रहा है भाई ये, क्या कर रहे हैं इन लोगों का समझ में नहीं आता, हमारे तो बहुत परेशान है, ठीक है। कोन के लिए क्या होता था, एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें क्या आएगा, एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर रहेगा, लेकिन आर थोड़ा सा अलग फॉर्म में आएगा, आर के डिफरेंस का स्क्वायर आता है, डिफरेंस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि R1 बड़ा वाला है रेडियस है, इसलिए R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ता है, बड़े में से छोटे घटाओ या छोटे में से बड़ा घटाओ, ठीक है। तो ये हो गया L निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट इसका बेस तो सेम ही रहेगा, बेस में से अब 2 बेस आएंगे इसके, एक टॉप का एरिया लिख लो भाई, एरिया ऑफ टॉप ऑफ अ कोन दैट इज पाई R2 स्क्वायर, एरिया ऑफ बॉटम या एरिया ऑफ बेस दैट इज पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का थोड़ा सा चेंज होगा, पाई आर एल होता है ना, तो आर की प्लेस पे क्या आएगा, आर वन प्लस आर टू एल, ठीक है, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया उसका। एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई एज इट इज, आर की प्लेस पे क्या आएगा, आर वन का स्क्वायर, आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन आर टू एंड देन एल, एल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो एच ये हो गया सर इसकी वॉल्यूम। और एक चीज़ हो, जब भी आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो उसमें क्या क्या ऐड होगा, ये तीनों भाई सब ऐड हो जाएंगे उसमें, ये तीनों, एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बेस और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, पाई आर वन प्लस आर टू एल प्लस पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर, आओ समझ गए ना, समझ तो गए हो गए तुम लोग, होशियार तो हुई थोड़े काफ़ी। इसको और अच्छे से लिखना है तो इस टाइप से भी लिख सकते हो, पाई आर वन प्लस आर टू, आ रहा है क्या कॉमन, नहीं बनेगा ना, रहने दो एज इट इज सही है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज और हैं फ्रेस्ट्रम के बारे में, किसके बारे में, फ्रेस्ट्रम जो कि कौन से ही बना है हमारा, इसलिए हमने कहा इसको साथ ही ले लो फ्रेस्ट्रम, ठीक है। बाल्टी नहाते हो सुबह बाल्टी में, वही बाल्टी है, उल्टी बाल्टी है, ठीक है, समझ रहे हो, आ रहा है समझ, कॉपी कर लो इसको एक बार, एक दो क्वेश्चंस और इस पे देख लेते हैं और फिर इसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, जल्दी से देख लो, डाउट माउट तो कुछ रह भी नहीं जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बेहतरीन, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रेस्ट्रम, फ्रेस्ट्रम एक्चुअली, तो इस वाले में थोड़ा चेंज कर लेना, FRUSTUM ट्रम नहीं है, फ्रेस्ट्रम, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती जाती है सबसे। स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रेस्ट्रम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर, एक फ्रेस्ट्रम है ये इस टाइप से, इसकी स्लांट हाइट गिवन दैट इज एल गिवन है, मैं कितना है 4
एंड पैरामीटर्स गिवन है इसके सर्कुलर एंड्स के, इन दोनों एंड्स के पैरामीटर गिवन है C1, C2, ठीक है। C1 मान ले रहे हैं कितना है हमारा, कर्व सरफेस एरिया नहीं है ये, इसका सर्कमफ्रेंस है, ठीक है ना, ये पैरामीटर जो भी आप समझ लें, पैरामीटर कर लें P, ठीक है। बस कुछ कितना है 18 सेंटीमीटर, अरे यार अब चलो इसको 1 कर ले रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, बड़ा वाला है ना, तो बड़ा वाला तो यही होगा 18 और ये 6, ठीक है। तो बस क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया का, पहले फॉर्मूला लिख लो, पहले क्या होता है पता तो होना चाहिए, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ठीक है। तो मतलब L गिवेन है, पाई गिवेन मतलब पता ही है, बस R1 R2 निकालना है। तो उसके लिए पहले पैरामीटर के फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल लेते हैं। तो P1 इक्वल्स टू 2πr, हो तो P1 कितना है 18, 2, पाई को भी एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और R1 एज इट इज, तो R1 क्या हो जाएगा 9 अपॉन पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 से 9 टाइम्स और अपॉन में आ जाएगा पाई। ऐसे हम P2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, 2πr2 हो जाएगा हमारा कितना है 6 इज इक्वल्स टू 2πr2 है ना, तो r2 कितना हो जाएगा सर 3π, ठीक है। अगर आप इसको और सॉल्व करने जाओगे तो फंस जाओगे, फिर आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं, हमने बताया था, तो पूरा सॉल्व मत किया करिए, जब भी आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है वैल्यू तब, ठीक है। तो बस पाई r1 के प्लेस पे 9 अपॉन पाई, r2 के प्लेस पे 3 अपॉन पाई, पाई पाई मुँह से रे भाई हैं, एल क्या है, एल क्या भैया 4, ठीक है। तो पाई दोनों का सेम है डिनोमेटर, तो पाई कॉमन आ जाएगा, पाई अपॉन पाई, यहाँ बचेगा 12, यहाँ आ गया 4, पाई से पाई कटा, 12 × 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, आओ तो ये हो गया फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया। समझ गए कि नहीं समझ गए, जल्दी से बोलो हाँ कि ना, आया समझ कि नहीं आया, पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाक से, फिर आगे बात करते हैं अपन, ले ले स्क्रीनशॉट, बहुत बेहतरीन। तो फ्रस्टम पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा, कुछ हाइपर वाले नहीं आएंगे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए फ्रस्टम को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन देख लिया हमने, फॉर्मूला बेस्ड था बस थोड़ा सा लग था हमने इसलिए का, या फिर वॉल्यूम पूछ लेंगे, या वॉल्यूम से स्लैंट हाइट रेडियस कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टिपिकल नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है आ सकते हैं तो डाउट है कोई तो पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, आपको एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आज की वीडियो में नहीं, आज की वीडियो में पूरे कोण को खत्म कर दिया है, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, चाहे सब्सक्राइब करो या मत करो, ठीक है। लाइक और कमेंट से अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है, बट सब्सक्राइब इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे आपको फ़ायदा है। कैसा फ़ायदा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आएगी वीडियो कभी कभार, 1-2-3 दिन 4-5 दिन बाद आपको हो सकता शो हो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, लेकिन आप सब्सक्राइब किए हो तो जैसी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो ये फ़ायदा है, और वो वीडियो मिस नहीं होगी आपसे, ठीक है ना। बहुत जल्द फॉर्मूले की भी सीरीज ला रहे हैं, फॉर्मूले करेंगे इंपॉर्टेंट पूरे क्लास 10th के लिए, इसलिए बने रहेंगे साथ में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, थैंक यू, जय हिंद।